दोस्तों, बच्चे हो या बड़े, हर किसी को मुंह का कड़वापन की समस्या, मुंह का स्वाद न आना हो जाती है। यह मुख्यतः जब हमें बुखार होता है तब यह समस्या हमें होती है। बुखार की वजह से हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, दवाइयों का सेवन करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जीभ का स्वाद खत्म हो जाता है और हमें कड़वापन महसूस होता है। हमारे सर में दर्द रहता है, बदन दर्द रहता है, उल्टी आने का मन करता है, कोई भी चीज़ खाने का मन नहीं करता, स्वाद बिल्कुल भी नहीं आता। तो दोस्तों, इसके लिए आप यह घरेलू नुस्खा प्रयोग करें। इसके लिए आप एक आधा नींबू लें, आधे नींबू के ऊपर आप जीरा पाउडर और काली मिर्च का पाउडर बारीक करके, देखिए जैसे मैंने डाल दिया है, इस तरह से आप डाल दें और पूरे नींबू के ऊपर रख दें। अब आप थोड़ा सा सेंधा नमक लेंगे। सेंधा नमक लेने के बाद अब आप जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और सेंधा नमक, इन तीनों को नींबू के ऊपर रख के इस तरह से अच्छी तरह से मिला दें। थोड़ी सी देर बाद आप देखेंगे इसमें बिल्कुल रस ऊपर आ जाएगा। ये देखिए, इस तरह से दबाकर आप देख सकते हैं। अब आप इस नींबू को थोड़ी सी धीमी आंच पर, जाली वाली जो मैंने यह स्पून ली है, इस तरह से रख के आप इस तरह से आप मिक्स कर सकते हैं, ये देखिए। और अब आप इस रस को चूस लें, ये देखिए जैसा कि मैं चूस रहा हूँ इसको, और आपके जो स्वाद है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। दो तीन दिन तक आप ऐसे नींबू के रस का प्रयोग करेंगे तो आपके जीभ का स्वाद आ जाएगा, कड़वापन बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा यह नुस्खा।